श्री शिवाय नमस्तु भी। फ्रेंड्स आज हम यहाँ पे डाकोर हैं। डाकोर जो हमारे गुजरात के अंदर भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पे यात्रा धाम है। यहाँ पे डाकोर में भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पे बहुत भव्य मंदिर है, आप लोगों को सबको पता होगा। इसलिए आपको जब भी अगर गुजरात की टूर पे आते हो और कहीं पे डाकोर जाने का आपको चांस मिल जाए तो 100% आइए। इस डाकोर के पास एक उमरेट है, उमरेट पे हम यहाँ पे एक वास्तु कंसल्टेंसी कर रहे हैं। यहाँ पे आपको आज एक लेसन कंसल्टेंसी है, अभी कोई रेमेडी नहीं दिखाएंगे, अभी खाली वास्तु की हम यहाँ पे आपको लेसन दे रहे हैं कि वास्तु क्या कहता है लाइफ के अंदर, किस तरह से उसको अप्लाई करना है। ये डीप फोल्ड बहुत ही अच्छा यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे इनका एक वास्तु मुझे प्राप्त हुआ जो मैं आपके साथ देखना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैंने इनकी ओरा स्कैनिंग कर ली तो मुझे यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं मिल रही, यानी यहाँ पे मुझे जीएस भी नहीं मिली, आईआर भी नहीं मिला, उसकी भी कोई एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी नहीं मिली। घर की पॉजिटिविटी 100% मिली हमारे ओरा स्कैनर के टेस्ट में। तो इसका हमने जब रिसर्च किया तो इनके फर्स्ट फ्लोर पे जब हम आए तो वहां पे हमने इनकी नॉर्थ ईस्ट में इनका एक बेडरूम है, यहाँ पे ये गलती कर रहे थे कि वो यहाँ पे पति पत्नी सो रहे हैं, और उनके जो पति पत्नी है यहाँ पे एक पेरेंट्स रहते हैं, उनके एक संतान है जो मैरिड है, वो अक्सर गांव में रह रहे हैं, मीन्स वो अक्सर शहर में रह रहे बड़ौदा में, कभी कभी यहाँ पे आते और इस बेडरूम का यूज करते हैं। तो ये बेडरूम में हमने उनको कहा कि यहाँ पे आपको सोना नहीं है, क्योंकि ईशान कौन है, यहाँ पे सोया नहीं जाता। तो अब ये हमारी ग्रिड में आप जब देखेंगे तो इस बेडरूम में आप देखना, ये इनका बेडरूम है, यहाँ पे ये बेडरूम इनका पड़ रहा है, और ये है हमारी एनएनई, थोड़ा नॉर्थ आ रहा है, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, यानी पर्दे से लेके ये पूरा नॉर्थ ईस्ट है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जो कलर विंडो में जो इन्होंने जो फैब्रिक यूज किया है कर्टन के लिए, वो भी ब्लू कॉम्बिनेशन में ग्रीन कॉम्बिनेशन में लिया हुआ है, यानी यहाँ पे उनके वास्तु के हिसाब से उन्होंने ये सब यहाँ पे डिजाइन किया है। बेडशीट भी देख लीजिए वास्तु के हिसाब से, वॉल का कलर भी देख लीजिए वास्तु के हिसाब से है, और ये कलर भी उनका वास्तु के हिसाब से, यानी यहाँ पे इन्होंने वास्तु का इतना सारा ध्यान रखा हुआ है। पर वो यहाँ पे सो रहे थे, मैंने उनसे बात की, आप यहाँ पे सो रहे हो, यहाँ पे तो आपने वास्तु को बहुत ध्यान में नहीं रखा, तो उनका कहना था, पर ये हमने ऐसा सोचा दो चार दिन सोना है इसलिए हम यहाँ सो जाते हैं, पर मैंने उनको कहा है यहाँ पे सोना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये एक स्पेस लेनी है जहाँ पे उनका मैं मंदिर रखवाऊंगा। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में मंदिर, एनएनई में मंदिर रखने का, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखने का रीजन क्या है? जब फिर हम उनके दूसरे रूम में गए, जब इनके हम नेक्स्ट रूम में गए तो यहाँ से हम यूं आ गए, तो यहाँ पे ये स्पेस में थोड़ा ईस्ट है और मैक्सिमम इस स्पेस में उनका मंदिर है। ई एस ई जोन में जब भी मंदिर होता है तो यहाँ पे एंजाइटी बनी रहती है, यहाँ पे आप कोई भी प्रार्थना करते हो तो उसमें लॉजिक करते हो कि मैं यहाँ पे तभी पूजा करने बैठूंगा जब मैं भगवान से कुछ प्राप्त करूंगा, यानी यहाँ पे हम भगवान के साथ भी मंथन की स्थिति में आ जाते हैं, यानी गिव एंड टेक वाली भावना आती है। मंदिर में पूजा तो करते हैं पर अक्सर उनका पूजा करने का वही मोटो होता है कि मुझे कुछ मिलेगा इस पूजा के माध्यम से, ऐसा ई एस ई में पूजा करने से ऐसा हमारा माइंड हो जाता है। तो यहाँ से हमने उनका ये मंदिर शिफ्ट कराएंगे और उनका मंदिर हम लेके जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, अगेंस्ट आपको उस रूम में मैं लेके जाऊंगा। फ्रेंड्स इस नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, तो ये मैप में आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट का कोना ये हो रहा है, यहाँ पे मंदिर की स्थापना करवाएंगे। अब यहाँ पे ये है कि ये ग्रिड बनाना क्यों आवश्यक है, ये ग्रिड बनाना इसलिए आवश्यक है, ये छोटी छोटी चीज अगर हमने ग्रिड नहीं बनाई होती और ऐसे ही हमने एक अंदाजे से अप्रोक्स कंसल्टेंसी की होती इस मकान की तो हम यहाँ पे गलती कर बैठते। ये ब्लू कलर देख के हम सोचते हैं कि इनका मंदिर भी अच्छी दिशा में, बेडरूम भी अच्छी दिशा में, पर एक छोटी सी गलती यहाँ पे ये हो गई कि उन्होंने वहां पे बेडरूम में ई एस सी में उन्होंने मंदिर स्थापित की कर रखा हुआ है जो हमने इस ग्रिड के माध्यम से प्राप्त हुई है। उसी तरह ये ब्रह्मस्थान है, तो ब्रह्मस्थान का एरिया, ये इनका ब्रह्मस्थान का एरिया है, वहां पे उन्होंने एक वॉशिंग मशीन रखी है। अब ये वॉशिंग मशीन यहाँ पे एंजाइटी कर रही है क्योंकि ये चर्निंग की एक्टिविटी है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ब्रह्मस्थान में वहां पे उन्होंने ये रखे हुए हैं, झाड़ू रखा हुआ है, यहाँ पे पोचा रखा हुआ है, डस्टबिन रखी हुई है। ये ईस्ट में थोड़ा इनका दादर भी है जिसकी रेमेडी हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो ये है मशीन, अभी यहाँ से हम मशीन शिफ्ट करेंगे और इस मशीन को उसी रूम के ई एस ई में रख देंगे जहाँ पे उनका मंदिर है। मंदिर ई एन ई में शिफ्ट हो जाएगा, एन ई में शिफ्ट हो जाएगा और वॉशिंग मशीन ई एस ई में आ जाएगी, तो जिससे ये उनका एकदम परफेक्ट वास्तु बन जाएगा। अब प्लेसमेंट वास्तु इसको कहते हैं, और यहाँ से जो भी झाड़ू पोछा है और जो भी डस्टबिन है उसको हम यहाँ पे इनके इस रूम में, तो आप देखेंगे
अब यहाँ पे हम इनके इस रूम में आ गए हैं, तो इस रूम में आप देखोगे तो SSW, यहाँ पे हमें SSW प्राप्त हो रहा है। तो ये साउथ और साउथ वेस्ट जो एरिया है डिस्पोजल जोन, वहां पे यहाँ इनकी डस्टबिन रखवा देंगे, यहाँ पे सूज रैक भी रख सकते हो, घर का बहुत सारा सामान है तो यहाँ डंप कर सकते हो। ये घर घंटी है, घर घंटी भी आप ESC में रख दो क्योंकि वो घूम रही है, जो भी घूमने वाली चीजें है, वॉशिंग मशीन क्या कर रही है, घूम रही है यानी चरनी, तो वो सब ESC में आएगी। यहाँ से घर घंटी शिफ्ट करनी है, यहाँ पे आप चंपल, ये टीवी चालू है कि बिगड़ा हुआ है, बिगड़ा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी गलत है, यहाँ पे एक टीवी पड़ा हुआ है वो भी बिगड़ा हुआ है, ये टीवी राहू के दोष दे रहा है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स सर साधन है और जो बिगड़े हुए, मैंने पहले ही नीचे कहा था कि कहीं ना कहीं राहू फॉल्ट में है, क्योंकि हमारे जब हमने 16 जोन देखे तो आपका साउथ वेस्ट डिस्टर्ब आ रहा था इस टीवी की वजह से, और यहाँ पे आपने एक ग्रीन कलर किया हुआ है, ये तो देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पे आप एक लाइट लगा दीजिए येलो कलर की लाइट जो यहाँ पे जलती है, ब्लू जेन, ओके वो बाद में हम देखेंगे। इधर देखो तो ये जो जेन के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आपका जो सामान है वो रख सकते हो, फिर आप यहाँ पे अपना वेस्ट मटेरियल भी रख सकते हो, पर घर में से कचरा जाता है, कचरा बिल्कुल नहीं रखना, ये सब वहां पे शिफ्ट कर सकते हो। क्लियर, आपको वीडियो भी प्राप्त हो जाएगी यानी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से इस घर में यहाँ पे ये येलो कर दो, नहीं तो ये येलो, ये जो कलर है ना ये कलर यहाँ पे मार दो, दिखाइए ये कौन सा कलर, पिस्ता कलर, पिस्ता ये वाला, ये कहाँ पिस्ता कलर है, ये लींबू कलर है ना, ग्रीन को येलो ही दिख रहा है ना, येलो का शेड है, बस येलो का शेड वहां पे मार दो, पिस्ता तो ये है, हाँ तो ये शेड को इधर मार दो, यानी यहाँ पे येलो कलर, ओके यहाँ से ग्रीन कलर, यहाँ से ग्रीन कलर क्यों हटाना है, क्योंकि ये कोना यहाँ पे कौन सा कलर किया हुआ है दिखाओ, येलो, येलो कलर यानी अर्थ और ग्रीन कलर यानी एयर। हमें हवा कहां से मिलती है, हवा हमें मिलती है पेड़ों में से, पेड़ों में से, और पेड़ पेड़ कब उगते हैं, जमीन फाड़ के, तो किसको नुकसान हुआ, जमीन को। तो यहां पे ये कलर करने से क्या हो गया, ये कोना डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि जमीन अपना जन्म कब लेगा, जब वो पेड़, और पेड़ अपना जन्म लेगी, पेड़ जब जतन होगा वो बढ़ते रहेगा, तो वो जमीन, दिखाओ जैसे ये पेड़ है, पास में आ जाओ, ये पेड़ है, तो ये पेड़ है यानी ये लकड़ी समझो, लकड़ी से क्या प्राप्त हो रहा है, फायर, लकड़ी जलाते हैं तो उससे फायर होता है, फायर जब ठंडा हो जाता है तो उससे क्या बनता है, राख, राख से क्या प्राप्त हो रहा है हमें, आकाश, आकाश हमें क्या देता है, पानी, और पानी हमें क्या देता है, पेड़, पेड़ हमें क्या देती है, लकड़ी, यानी पेड़ लकड़ी देती है अग्नि, ये चक्र चल रहा है, इसको कहते हैं सर्जन चक्र। आपने यहां पे क्या कर दिया, इस दिशा में कौन सा कलर कर दिया, ग्रीन, तो ये विनाशक चक्र है, हमें इस तरह से करना है, तो ब्लू कलर मैंने इसलिए उधर आपको बोला था। तो इस तरह से ये फाइव एलिमेंट की जो साइकिल है, ये साइकिल क्लॉकवाइज चलनी चाहिए, एंटी क्लॉक नहीं चलनी चाहिए। तो देखिये यहां पर ब्लू कलर है, यहां पर नॉर्थ है, नॉर्थ दिशा, इसके 180 डिग्री कौन सा कलर, इसके सामने वाला कौन सा कलर है, लाल, तो ये इसका क्या हो गया, दुश्मन। इससे कौन सा कलर उत्पन्न हो रहा है, तो ये इसका क्या होगा, पुत्र। ये ब्लू कलर कहां से मिल रहा है हमें, इस जोन से, यहां पे मैंने रेड किया हुआ है क्योंकि पढ़ाई दे, बाकी यहां पे व्हाइट आता है। तो आकाश से क्या जन्म लेता है, पानी, पानी से कौन जन्म लेता है, झाड़, झाड़ से यार पेड़, पेड़ से कौन जन्म लेता है, अग्नि, अग्नि से कौन जन्म लेता है, राख, पृथ्वी। तो ये चक्र है सुनो, तो ये पिता हो गए, ये उसका लड़का हो गया और ये उसके पिता हो गए, तो ये फैमिली होगी, और सामने सब एंटी बैठे हुए, यानी कलर सिस्टम ये है पंचतत्व। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे हमने सब कुछ देखा है, अब ये पूरी वीडियो इसलिए हमें बनाने की कोशिश की है, समझाने की, शेयर की है आपको, कि आप ये छोटी छोटी बातें हम कंसल्टेंसी में देख रहे हैं। आपको किसी भी कंसल्टेंट को जब आप इनवाइट कर रहे हो या खुद आप वास्तु कर रहे हो, आप हमारा वास्तु कोर्स करके इस तरह से ये वास्तु भी सीख सकते हो, पर आपको ये बेसिक आर्किटेक्चर ड्राइंग होना जरूरी है और उस पर ये ग्रिड होना जरूरी है, तो ही आप अपने घर का अच्छी तरह वास्तु सेटल कर पाओगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।